हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस ट्यूटोरियल। आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट कक्षा 10वीं का पहला अध्याय बहुपद या पॉलीनोमियल का क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 2 का तीसरा क्वेश्चन। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन में ये है, निम्नलिखित में a का मान ज्ञात कीजिए जबकि जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड हो। ये दिया गया है दोस्तों। तो जैसे ही यहाँ पे बोला गया कि जी ऑफ एक्स जो है क्या है, एक गुणनखंड है p ऑफ x का, इसका मतलब हमको सबसे पहले क्या निकालना है स्टूडेंट, g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 करना है और यहाँ पे x माइनस 1 के इक्वल लेना है स्टूडेंट। अब क्या कर देना है कि x x दोनों साइड का कट जाएगा तो ये 1 इज इक्वल टू माइनस से आएगा स्टूडेंट। फिर a का वैल्यू जो होगा वो माइनस 1 आएगा स्टूडेंट। अब चूंकि हमको दिया है कि g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड है, ये हमको क्या किया है दोस्तों, दिया है, ये दिया है। इसका मतलब ये होगा कि सॉरी यहाँ पे a लिखे हैं स्टूडेंट, इसलिए हम यहाँ पे b का यूज कर लेते हैं, इस पे b का यूज कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा b हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ भी b हो जाएगा। तो b का मान जो होगा माइनस 1 होगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में हमको दिया है g ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ x का एक गुणनखंड है। तो जैसे ही गुणनखंड है दिया है स्टूडेंट, इसका मतलब ये होगा कि गुणनखंड तभी हो सकता है जब उसका शेषफल शेषफल जो होगा वो जीरो आएगा स्टूडेंट। तो शेषफल हम r बराबर हम लिखते हैं p ऑफ b, मतलब यहाँ जो कंपेयर करके निकाले रहते हैं स्टूडेंट उसी को लिखते हैं p ऑफ b, और ये शेषफल जो होगा वो जीरो होगा स्टूडेंट। अब जैसे मैं ये शेषफल जीरो रखता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो लाइन है p ऑफ b क्या है, तो p ऑफ b क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे इस लाइन को देखिए और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ x है और यहाँ पे b है स्टूडेंट, क्या है, यहाँ पे x है यहाँ पे b है। तो सबसे पहले हम b की बात करें तो b को हम यहाँ पे रखेंगे स्टूडेंट, b का मान है माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x है स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस 1 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां पे माइनस 1 रखेंगे स्टूडेंट। तो इसलिए यहाँ पे हमको मिलेगा माइनस 1 का स्क्वायर a इंटू माइनस 1 प्लस 2 बराबर 0, ऐसे आएगा स्टूडेंट। अब मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि जब भी माइनस 1 का पावर सम हो, मतलब 2 के पहाड़े में आता हो, तब हमेशा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट a जो है वो मल्टीप्लाई है माइनस 1 के साथ और ये प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है स्टूडेंट। फिर हम क्या बात करते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये 1 है और ये 2 है, दोनों प्लस प्लस में स्टूडेंट, इसलिए वो जुड़ जाएगा तो यहाँ पे आएगा 3। अब ये वाला जो स्टूडेंट देखो प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा स्टूडेंट, बाहर में क्या है राइट साइड में 0 है स्टूडेंट। 0 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बोला है कि जी ऑफ एक्स जो है पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है, तो गुणनखंड तभी होता है स्टूडेंट जब शेषफल 0 हो, तो इसलिए यहाँ पे शेषफल क्या है पी ऑफ बी के फॉर्म में 0 आएगा। हेंस यहाँ से हम निकाल सकते हैं दोस्तों कि 3 इज इक्वल टू ए, तो ये हमारा ए का मान होगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम इस ऐसी क्वेश्चन को बनाएंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में है g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 और p ऑफ x इज इक्वल टू a x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 दिया है स्टूडेंट। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जब इसको सॉल्व करना है तो मैं आप सभी को बता चुका हूं स्टूडेंट क्या करना है, g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 बराबर लेके x माइनस बी के इक्वल करना है इसको। अब जैसे जैसे ये दोनों एक से कट जाएगा स्टूडेंट, माइनस माइनस हट जाएगा और b का मान आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, 1 मिल जाएगा, b का मान क्या मिलेगा 1 मिलेगा स्टूडेंट। अब b के मान को हम शेषफल वाला जो थ्योरम है उसमें अप्लाई करेंगे दोस्तों। तो शेषफल का जो फार्मूला होता है r बराबर p ऑफ b होगा स्टूडेंट, p ऑफ b होगा, तो p ऑफ b के वजह से यहां पे p ऑफ 1 आएगा स्टूडेंट। तो p ऑफ 1 देन यहां पे जो वैल्यू होगा, अब यहां पे देखो p ऑफ 1 है स्टूडेंट, तो यहां पे देखिए यहां पे 1 है और यहां पे
एक्स का स्क्वायर है स्टूडेंट, तो यहां पे हम वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ए इंटू वन का स्क्वायर माइनस फाइव इंटू वन प्लस थ्री हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहां से हम निकालेंगे तो ए माइनस फाइव प्लस थ्री होगा स्टूडेंट। अब क्या है, यहाँ पे फाइव है, यहाँ थ्री है, यहाँ प्लस माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है। तो मैं आप सभी को बता चुका हूँ स्टूडेंट कि जब भी प्लस माइनस साइन होना तो हमेशा वो क्या होगा, घटेगा स्टूडेंट। तो पांच में से तीन को हम घटा देंगे तो दो बचेगा स्टूडेंट, लेकिन पांच में यदि नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव बचेगा, नेगेटिव रहेगा, और पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा नेगेटिव साइन है स्टूडेंट, इसलिए पांच में से घटेगा, तो इसलिए पांच में से घटेगा तो वैल्यू आएगा क्या, माइनस टू आएगा स्टूडेंट। अब चूंकि क्वेश्चन में हमको क्या दिया है स्टूडेंट, चूंकि क्वेश्चन में हमको दिया है कि जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का गुणनफल है, क्या है स्टूडेंट, गुणनफल, गुणनखंड है, ये दिया है स्टूडेंट। अब जैसे ही गुणनखंड दिया है तो इससे हमको ये पता चलेगा स्टूडेंट कि P of 1 इज इक्वल्स टू जीरो, या शेषफल इज इक्वल्स टू जीरो। जब भी गुणनखंड होता है तो हम सभी जानते हैं कि शेषफल क्या होगा, जीरो होगा स्टूडेंट। तो शेषफल जीरो हो जाएगा। अब हमने यही तो निकाला है शेषफल का मान, पी ऑफ ए का मान ये निकाला है स्टूडेंट, पी ऑफ वन इज इक्वल्स टू ए माइनस टू। तो ये वैल्यू हम वहां पे रख देंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए का वैल्यू ए माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो। सो यहां से वैल्यू आ जाएगा ए इज इक्वल्स टू टू। तो ये इसका आंसर होगा स्टूडेंट। सो आप सभी को ये ख्याल रखना है स्टूडेंट, इसके जो बाद वाले जो तीसरा क्वेश्चन है ना, चौथा क्वेश्चन है और पांचवा क्वेश्चन है, उसको मैं आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूँ स्टूडेंट, होमवर्क के लिए आप इसको बना के देखेंगे, और नहीं बनेगा तो मेरे को कमेंट करके बताना स्टूडेंट, मैं इसको फिर वीडियो आगे बनाऊंगा इसका, है ना। बाकी मैं फोर्थ और फिफ्थ का प्रश्नवली प्रश्नवली दो का फोर्थ फिफ्थ को मैं आगे बनाऊंगा स्टूडेंट, ठीक है। तो यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा स्टूडेंट तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा स्टूडेंट, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच सके। थैंक यू स्टूडेंट।